आगे बढ़ते हैं। हाथरस कांड के बहाने यूपी में सियासत जारी है। अब समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष अखिलेश यादव ने एक ऐसा बयान दे दिया है जिसने यूपी की सियासत में नई हलचल पैदा कर दी है। अखिलेश यादव ने डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक पर बड़ा बयान दे दिया है। अखिलेश यादव ने कहा है कि स्वास्थ्य मंत्री चाहते हैं कि मुख्यमंत्री हट जाए और हम मुख्यमंत्री बन जाए। वो अपना पॉलिटिकल स्वास्थ्य बनाने में जुटे हैं, इसलिए प्रदेश में स्वास्थ्य सेवाएं बहाल हैं। अगर स्वास्थ्य सेवाएं ठीक होती तो सही समय पर इलाज से कई लोगों की जान बच सकती थी। तो अखिलेश यादव ने एक ऐसा बयान दे दिया है जैसे उत्तर प्रदेश की राजनीति में अब हलचल पैदा हो गई है कि सीएम बनना चाहते हैं ब्रजेश पाठक। ये कहा उन्होंने कि इसलिए स्वास्थ्य सेवाएं बहाल हैं। जब इस विभाग के मंत्री कुछ पॉलिटिकल अपना स्वास्थ्य बेहतर करना चाहते हैं तो विभाग को कौन ध्यान देगा? वो तो चाहते हैं मुख्यमंत्री हट जाए, हम बन जाए, क्यों कहलवाते हो सीधी बात? तो जब खुद ही वो मुख्यमंत्री बनना चाहते हैं तो विभाग कौन देखेगा? और मुख्यमंत्री ये बात जानते हैं कि ये पीछे पीछे पड़े हुए तो उनके विभाग को कुछ बजट ही नहीं दे रहे। ये तो सदन में भी हम लोगों ने कहा था, अगर याद हो आपको। तो सुना आपने अभी भी अखिलेश यादव को। अखिलेश यादव की ओर से हाथरस कांड के बहाने डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक को आड़े हाथ लेते हुए उन पर निशाना साधा गया है, जुबानी हमला बोला गया है और साथ ही साथ ये भी कहा गया है कि वो सीएम बनना चाहते हैं इसलिए स्वास्थ्य सेवाएं बहाल हैं, ये उन्होंने कहा है और ब्रजेश पाठक पर हमला बोला है। तो अखिलेश यादव ने ये बात कही है। भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता आलोक अवस्थी जी हमारे साथ जुड़ गए हैं फोन लाइन पर। बहुत स्वागत है आलोक जी आपका। अखिलेश यादव ने जो बयान दिया है ब्रजेश पाठक को लेकर कहा है कि वो सीएम बनना चाहते हैं इसलिए स्वास्थ्य सेवाएं बहाल हैं, क्या कहेंगे इस पर, आपकी टिप्पणी? मुझको लगता है कि श्रीमान अखिलेश यादव जो है हमारे पार्टी के सर्वोच्च लगता नेता अपने आप को मानने लगे हैं कि उन्हें ये पता है कि कौन किस समय किसको क्या पद मिलेगा। अखिलेश यादव जी को तो अभी इस बात का जवाब देना चाहिए कि श्रीमान रामगोपाल यादव जी ने हाथरस के दुर्घटना को हादसा बताया है और अखिलेश यादव जी पत्रकारों के द्वारा सवाल पूछे जाने पर उनको डपट रहे हैं कि तुम बीजेपी के काम कर रहे हो, जबकि वो रामगोपाल यादव जी के बयान को दोहरा रहे हैं। तो अखिलेश यादव जी को अपनी पार्टी का ध्यान देना चाहिए कि उनकी पार्टी में उनके नेता क्या बोल रहे हैं और भारतीय जनता पार्टी में किस पदाधिकारी को किस कार्यकर्ता को क्या काम किस समय मिलेगा, ये हमारे नेतृत्व पे छोड़ देना चाहिए। लेकिन जिस तरह से उन्होंने कहा है आलोक जी कि हाथरस कांड जो हुआ उसके बाद हमने देखा कि स्वास्थ्य सेवाएं भी काफी लचर दिखाई दी, जैसा कि तस्वीरों में भी नजर आया, जैसे ही इतनी बड़ी तादाद में लोग अचानक अस्पताल ले जाए गए तो वहां पर व्यवस्थाएं भी ऐसी नहीं थी कि वहां पर इतने लोगों का इलाज हो पाए, उस पर क्या रिएक्शन आपका? देखिए सर, बड़ा समागम था वहां पे, लाखों लोगों की भीड़ इकट्ठा थी और जिस तरीके से घायलों का वहां पर जाना हुआ, एक जिले के अस्पताल की क्षमता होती है। सरकार ने लेकिन तत्परता से अन्य जिलों में अलीगढ़, आगरा, हाथरस, एटा, चारों जगहों पर जो है मरीजों को भेजा और उनके इलाज की समुचित व्यवस्था कराई है। ना कहीं पर कोई किसी चीज की कमी थी और ना ही कोई व्यवस्था खराब थी और सभी जितने भी घायल हैं उन सभी की जान को बचाया गया है। आप उन सबके बयान आपके टीवी के जर्नलिस्ट ले रहे हैं तो यह एक तरह का झूठा आरोप है श्रीमान अखिलेश यादव जी। ठीक है, इस पर जवाब ले लेते हैं। फखरुल हसन चांद हमारे साथ जुड़ गए हैं समाजवादी पार्टी से प्रवक्ता। फखरुल हसन जी, क्या वजह है कि अखिलेश यादव को ऐसा लग रहा है कि ब्रजेश पाठक सीएम बनना चाहते हैं? देखिए सवाल मुख्यमंत्री बनने का नहीं, बात सवाल हो रहा थी स्वास्थ्य सेवाओं की कि जो उत्तर प्रदेश की बदहाल स्वास्थ्य सेवाएं हैं, जिस तरीके से हाथरस की दुखद घटना हुई, वहां ऑक्सीजन नहीं था, डॉक्टर नहीं था और जो स्वास्थ्य मंत्री जी की जिम्मेदारी थी हाथरस जाने की, हाथरस पीड़ितों से मिलने की, वहां पे जो जिन डॉक्टरों ने अपनी जिम्मेदारी नहीं निभाई, जिन अधिकारियों ने जिम्मेदारी नहीं निभाई उनके खिलाफ कार्रवाई करने की, वो कार्रवाई नहीं करते हैं, वो हाथरस जाने के जगह दिल्ली चले जाते हैं। और जब लोकसभा का चुनाव के परिणाम सामने आए तो दोनों डिप्टी सीएम दिल्ली में रुके हुए थे, यहाँ कैबिनेट की बैठक होती है, उस कैबिनेट की बैठक में नहीं शामिल होते हैं, दिल्ली की बैठक में शामिल रहते हैं, दिल्ली में अपनी घड़ित बैठा रहे होते हैं। इसलिए आदरणीय अखिलेश यादव जी ने कहा कि जो डिप्टी सीएम है
उनका सारा ध्यान। देखिए जो कुछ भी हुआ, जो भी भगदड़ वहां पर मची उसे लेकर जांच चल रही है फखरुल जी, आपको नहीं लगता कि इस मामले में अब राजनीति ज्यादा होने लगी है, जबकि ऐसे गंभीर मामलों पर राजनीति नहीं होनी चाहिए? के साथ मैं आपसे कहना चाहूंगा, बहुत माफी के साथ, सरकार की जिम्मेदारी है, सरकार अपनी जिम्मेदारी नहीं निभाएगी। जिन अधिकारियों पे कार्रवाई होनी चाहिए थी, क्यों अधिकारियों पे कार्रवाई नहीं हुई? क्यों, किसको बचाना चाहती है सरकार? स्वास्थ्य सेवाओं के लिए अगर वहां पे लोग गए थे, घायल होके गए थे, उनको इलाज मिलना चाहिए था, कुछ लोगों को बचाया जा सकता था, अगर वो नहीं बचे किसकी जिम्मेदारी है? भगदड़ मची, वहां पे परमिशन लेके कोई कार्यक्रम अगर आयोजित हो रहा था तो जो कार्यक्रम के आयोजक थे उनकी भी जिम्मेदारी थी, क्या प्रशासन की जिम्मेदारी नहीं थी? प्रशासन पे क्या कार्रवाई हुई? इसलिए ये कह देना कि वहां पे एक घटना हुई, वो घटना के बाद राजनीति ना। चलिए फखरुल जी जवाब ले लेते हैं। आलोक अवस्थी जी भी हमारे साथ जुड़े हुए हैं भारतीय जनता पार्टी से। आलोक जी, आपको नहीं लगता कि बैठे बिठाए विपक्ष को एक मुद्दा भी मिल गया है, और ये जो स्वास्थ्य व्यवस्थाओं का मुद्दा है, ये कहीं ना कहीं अब सरकार को जवाब इस पर देना होगा? देखिए फखरुल जी ने बहुत सफाई से गुमराह करने का प्रयास किया है। जो स्वास्थ्य मंत्री हैं और उप मुख्यमंत्री हैं बृजेश पाठक जी, वो स्वयं हाथरस गए, डॉक्टरों की टीम को लेकर के गए, लगातार उन्होंने वहां पर जो है मरीजों को देखभाल करने के लिए समुचित व्यवस्था की बात करी है। बकायदा तो उनके ट्विटर हैंडल से और सरकार के ट्विटर हैंडल से इन खबरों को प्रसारित किया गया है। उसके बाद ये कह देना कि स्वास्थ्य मंत्री मौके पर नहीं गए और उन्होंने कोई व्यवस्था पर ध्यान नहीं दिया, यह एक गैर जिम्मेदाराना बात है। देखिए भारतीय जनता पार्टी एक जनता के प्रति जवाबदेह पार्टी है और हमारे नेता जनता की सेवा के लिए चुने गए हैं और लगातार जनता की सेवा में, चाहे हमारे मुख्यमंत्री जी हो, हमारे डिप्टी सीएम हो, हमारे प्रदेश के अध्यक्ष हो, लगातार जो है हाथरस की घटना को लेकर के और हाथरस में वो मिलने गए, और आपने देखा होगा माननीय मुख्यमंत्री जी ने लगातार जो है। तो क्या आपको लगता है कि अब विपक्ष सिर्फ राजनीति कर रहा है? जो अखिलेश यादव का बयान है उस पर अगर हम आए, विशिष्ट रूप से अखिलेश यादव जी राजनीति कर रहे हैं, और अखिलेश यादव जी के जब मीडिया के द्वारा बयान हमने सुना है कि अखिलेश यादव जी ने खुद ही कहा है कि कौन बाबा और किसी पर कार्रवाई क्यों होनी चाहिए, वही अखिलेश यादव जी को ये भी याद रखना चाहिए। फखरुल जी, राजनीति कर रहा है क्या विपक्ष? देखिए मुझे तो समझ में नहीं आता कि भारतीय जनता पार्टी के लोग, अब उनकी पार्टी के प्रवक्ता, अरे भाई अगर सरकार की कहीं कमी है, सरकार की कहीं गलती है, आप कार्रवाई नहीं करना चाहते, आप बचाना चाहते हैं, वो आपका अधिकार है, लेकिन जनता जवाब देती है। लोकतंत्र में जनता ने आपको जवाब लोकसभा चुनाव में भी दिया है, और आप अगर इसी तरीके से झूठ बोलते रहेंगे, अगर आपकी जो जिम्मेदारी है, आप सेवा स्वास्थ्य सेवाओं के बारे में अगर हम सवाल पूछते तो क्या गलत पूछ रहे हैं आप? अगर क्या वहाँ ऑक्सीजन नहीं थी तो हम उस पर सवाल ना पूछे? अगर वहाँ डॉक्टरों की टीम नहीं थी, एम्बुलेंस नहीं थी, हम सवाल ना पूछे आपसे? हम कहते आप बहुत गलत अच्छा बयान नहीं कर रहे हैं वहाँ पे डॉक्टर नहीं, आप गलत बोल रहे हैं, आप गलत बोल रहे हैं, और हमारा ये लोकतांत्रिक अधिकार है, हमारा लोकतांत्रिक अधिकार है, हम सवालों को इलेक्शन के अंदर भी हमने देखा कि विपक्ष ने किस तरीके से झूठ बोला है, और आज भी हम देख रहे हैं कि देखिए ये झूठ बोलने का काम भारतीय जनता पार्टी का है, ये झूठ बोलने का काम भारतीय जनता पार्टी का है, समाजवादी पार्टी का नहीं है। झूठ बोलना, लोगों को झूठ सुबह शाम परोसना, ये काम भारतीय जनता पार्टी का है, समाजवादियों का नहीं है। हम आपको आईना दिखा रहे हैं, आप देखेंगे तो ठीक है, नहीं देखेंगे तो जनता आने वाले समय में आपको आईना दिखाएगी, कोई दिक्कत नहीं है। आप ऐसे ही झूठ बोलते रहिए, हम ऐसे ही सच आपको बताते रहेंगे, सच आप स्वीकार कर लेंगे, सच से कुछ सबक सीख लेंगे तो अच्छा है, और नहीं सीखेंगे तो जनता सबक सिखा देगी, कोई दिक्कत नहीं है। ये लोकतंत्र है, लोकतंत्र में जनता जवाब देती है, जनता ने लोकसभा चुनाव में आपको जवाब दिया है, लेकिन फिर भी आप सीखना नहीं चाहते, तब भी आप सच नहीं बोलना चाहते, तब भी आप जनता की नहीं सुनना चाहते, तो मत सुनिए, जनता आने वाले समय में आपको जवाब देगी। मैं इनकी बात का जवाब देना चाह रहा था। जी 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 बोलिए। जो समाजवादी पार्टी के प्रवक्ता बहुत ही स्पष्टता से झूठ बोल रहे हैं, पहली चीज की किसी भी पीड़ित व्यक्ति ने ये नहीं कहा जिनका इलाज किया गया कि वहाँ पे हमें कोई अव्यवस्था मिली, ना वहाँ पे कोई ऑक्सीजन की कमी थी, मुख्यमंत्री जी लगातार जो है वहाँ से वीडियो भेज दूंगा, और मुख्यमंत्री जी ने निर्देश दिए थे कि किसी भी व्यक्ति का किसी भी वजह से इलाज में कोई कोताही नहीं होनी चाहिए, और मुख्यमंत्री जी ने यह भी कहा कि जिनके जो हताहत हुए हैं, दिवंगत हो गए हैं, उनके परिवारों के बच्चों की जिम्मेदारी वो लेते
से है और पढ़ाई की सारी व्यवस्था वो करेंगे, तो यह एक संवेदनशील मुख्यमंत्री की पहचान है। अखिलेश यादव एक गैर जिम्मेदार नेता है, उनके प्रवक्ता भी उसी की भांति से जो है इस तरह की बातें कह रहे हैं। अरे चलिए छोड़िए, आपको जवाब जनता ने दे दिया कौन जिम्मेदार है, मेरा ये कहना जिम्मेदार है, जिम्मेदार पार्टी है और जनता ने जवाब दे दिया। हमें आपके सर्टिफिकेट निभा रहे हैं, भाजपा का सर्टिफिकेट नहीं चाहिए हमें, लेकिन कम से कम झूठ आप अपना सर्टिफिकेट अपने पास रखिए, आप अपना सर्टिफिकेट अपने पास रखिए। लोकसभा चुनाव में जनता ने सर्टिफिकेट दिया है 33 सीटों का। मैं पूछना चाहता हूँ चांदनी, आपकी सरकार के समय पे बनारस के घाट पर जो है भगदड़ मच गई थी बाबा जय गुरुदेव के घाट में, कई लोग मर गए थे उस समय, आपकी सरकार ने क्या व्यवस्था कर दी थी? मैं पूछना चाहता हूँ हमारी सरकार में तो 2004 में वहाँ पर एक बाबा जी के, देखिए जो स्वास्थ्य व्यवस्थाएं हैं और इस सरकार की जवाबदेही भी इस पर बनती है, लेकिन दूसरी तरफ मुद्दा मसला इतना गंभीर है कि इस पर राजनीति भी नहीं होनी चाहिए। बहुत शुक्रिया आप दोनों का जुड़ने के लिए। फखरुल हसन हमारे साथ जुड़े हुए थे, साथ ही आलोक अवस्थी जी आपका भी शुक्रिया।